फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम ये टू कलर से बनाकर ये बहुत ही प्यारी सी सॉक्स लाए हैं। इसको आप बूट भी कह सकते हैं, सॉक्स भी कह सकते हैं, ये देखिए। और इसको हमने सिलाइयों से बनाया है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सॉक्स हमने न्यूबॉर्न से लेकर 6 महीने के बच्चे तक के लिए बनाई है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हमने ये सॉक्स कैसे बनाई। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सॉक्स बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने ये फंदे डाल लिए हैं और टोटल फंदे हमने यहाँ पर 46 डाले हैं। 10 नंबर की हमने सिलाई ली है। देखिए, 46 जो फंदे हमने डाले वे हमने सिंगल धागे से डाले। देखिए, अब हम इसकी फर्स्ट रो बनाएंगे। ये देखिए, ये इसकी फर्स्ट रो है। ये पूरी सिलाई हम सीधी बनाकर कंप्लीट करेंगे। किस तरह से, ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये इसमें हमने दूसरा कलर लगा लिया है। अब हम इस कलर से बनाएंगे। देखिए, पहला फंदा हम सीधा बना लेंगे इस तरह से, सेकंड वाला फंदा उतार लेंगे, फिर एक फंदा हम बुन लेंगे और वाइट वाला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ये फंदा हमने उतार लिया, एक फंदा हमने ये बुन लिया, वाइट वाला फंदा उतार लिया और ये हमने बुन लिया। ये देखिए, इसकी सेकंड रो है। देखिए, ये रेड वाला फंदा हमें बुनना है और वाइट वाला हमें ऐसे ही उतार लेना है। ये देखिए, इस तरह से बनाते हुए पूरी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी सेकंड रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी थर्ड रो बना लेंगे। लास्ट वाला फंदा हमारा ये वाइट का है, इसे हमें ऐसे उतार लेना है इस तरह से। फिर ये ऊन हम आगे लेकर जाएंगे और ये वाला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, फिर धागा अपनी साइड लेकर आएंगे और वाइट वाला फंदा हमने ऐसे ही उतारा था, इस रो में भी इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, ये वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे। फिर धागा अपनी साइड, ये फंदा हम उतार लेंगे और धागा पीछे करेंगे, ये फंदा हम बुन लेंगे। सीधा बुनना है, देखिए इस तरह से। फिर धागा अपनी साइड, ये फंदा उतारेंगे, फिर धागा पीछे और ये फंदा हम बुन लेंगे। देखिए इस तरह से। ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रेड कलर से हमने इसकी दो सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम ये तीसरी सिलाई भी इसी कलर से बना लेंगे। ये देखिए, पिछली सिलाई में हमने ये फंदा बुना था, इस सिलाई में हम इसको ऐसे उतार लेंगे। धागा हम पीछे रखेंगे, वाइट वाला फंदा हम
बुन लेंगे। देखिए ये फंदा हमने बुन लिया, ये फंदा बुना था, इस सिलाई में इसको ऐसे ही उतारेंगे। ये उतारा था तो इसको बुनेंगे, वाइट वाले फंदे को बुन लेंगे और जो रेड वाला है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। देखिए इस कलर से ये इसकी तीसरी सिलाई है। इस तरह से इसको बनाते जाएंगे। देखिए रेड कलर से इसकी तीसरी सिलाई है। इसी तरह से इसको बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये रेड कलर से ही इसकी चौथी सिलाई बना लेंगे। रेड कलर लगाने के बाद ये इसकी चौथी सिलाई है। ये देखिए ये फंदा इस तरह से दिखाई दे रहा है, वाइट के साथ जुड़ा हुआ। इस फंदे को तो हम बुन लेंगे सीधा, फिर धागा अपनी साइड लेकर आएंगे। जो फंदा हमने ऐसे ही उतारा था उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। ये देखिए ये फंदा हमने ऐसे उतारा था, इस सिलाई में भी इसको ऐसे ही उतारेंगे। धागा हम पीछे लेकर जाएंगे और ये देखिए इसकी पहचान आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये वाइट वाला फंदा इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये देखिए। तो इसको हमें सीधा बना लेना है, ये फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड। जो फंदा हमने ऐसे उतारा था इसको हम ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और जो फंदा बुना था उसको हम बुन लेंगे। देखिए इस तरह से ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चार सिलाइयां तो हमने रेड कलर से बुन ली हैं, अब चार सिलाइयां हम बुनेंगे वाइट कलर से। ये देखिए पिछली सिलाई में जो फंदे हमने ऐसे ही उतारे थे उनको हम बुन लेंगे। लास्ट वाला फंदा हमने ऐसे ही लिया था, इस सिलाई में इसको बुन लेंगे। ये फंदा बुना था इसको हम ऐसे उतार लेंगे, फिर ये फंदा हमने उतारा था इसको हम बुन लेंगे। हर सिलाई में हमें वही करना है, जो फंदा हमने उतारा था उसे बुन लेना है, जो बुना था उसे उतार लेना है। इसको हम ऐसे उतार लेंगे और इसको हम बुन लेंगे। देखिए ये फंदा हमने उतार लिया और जो उतारा था इसको बुन लिया। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, वाइट कलर से हमने ये इसकी लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। इस रो को बनाने के बाद एक रो हम और बनाएंगे वाइट कलर से। चार चार सिलाइयाँ हमें कलर से बनानी हैं। ये फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और इसको हम बुन लेंगे। इसको हम ऐसे उतार लेंगे और इसको बुन लेंगे। देखिए इस तरह से टोटल हमें यहाँ पर इसकी 24 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। 24 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी हमने 24 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है। एक डिजाइन इसका चार सिलाइयों का है। ये इसको हम काउंट करेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6, 6 के मल्टीप्लाई करें 4 में तो 24 रो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसकी 24 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, 24 रो बनाने के बाद अब हम इसे ऊपर वाइट कलर से ही बना लेंगे। देखिए हमें सीधा सीधा बना लेना है। ये पूरी सिलाई हम सीधी बना लेंगे
ये देखिए ये पूरी सिलाई हम सीधी बनाकर इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से एक सिलाई हमने सीधी इसकी बना ली है। अब ये उल्टी साइड है और उल्टी साइड से भी हम इसकी एक सिलाई सीधी बना लेंगे। ये देखिए पूरी सिलाई हम सीधी बनाकर इसकी कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इसकी दो सिलाइयां हमने दोनों साइड से सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हम इसके फंदे घटाएंगे। देखिए दो फंदे हम एक साथ बना लेंगे, फिर ये फंदा वापस सिलाई में लेंगे। फंदे हम ज़्यादा टाइट नहीं घटाएंगे। एक फंदा घट गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये दस। ये देखिए दस फंदे हमने यहाँ पर कम कर दिए, बाकी पूरी सिलाई हम सीधी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये दस फंदे हमने यहाँ पर बंद कर दिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सीधी सिलाई हमने साइड से इसकी कंप्लीट कर ली है। ये फंदे यहाँ पर घटा लिए। अब हम इसकी दूसरी साइड से बनाएंगे और फंदे घटा लेंगे। दस फंदे ही हमें दूसरी साइड से घटा लेने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये दस। ये देखिए दस फंदे हमने यहाँ से घटा लिए, दस हमने इस साइड से घटाए थे। अब हम जो ये फंदे बच गए बीच वाले, इनको सबको हम सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से ये पूरी सिलाई हम सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर इसमें डोरी डालने के लिए काज बना लेंगे। काज हम देखिए कैसे बनाएंगे। दो फंदे हम सीधे बना लेंगे, धागा अपनी साइड लेंगे और यहाँ पर दो फंदों का एक कर लेंगे जाली बनाते हुए। ये देखिए दो फंदे हम कम कर लेंगे और यहाँ पर ये फंदा हम एक कम करेंगे और एक बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से जाली बनाते हुए और इसको हम सीधा बुन लेंगे दो का एक बनाते हुए। एक फंदा हो गया, फिर एक फंदा सीधा और बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, फिर दो फंदों का एक बनाएंगे जाली बनाते हुए। देखिए इस तरह, फिर एक फंदा और सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दो का एक और जाली और एक फंदा और सीधा, फिर से धागा अपनी साइड, दो का एक बनाएंगे जाली बनाते हुए और एक फंदा और सीधा। ये देखिए इस तरह से हमें पूरी सिलाई इसकी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से लास्ट में भी हमारे पास ये दो फंदे सीधे बचे हैं जाली बनाकर, और यहाँ पर भी दो फंदे सीधे जाली बनाकर बचे। अब हम इसकी उल्टी सिलाई बनाएंगे। उल्टी सिलाई हम पूरी इसकी उल्टी बना लेंगे। देखिए दो फंदे भी उल्टे बनाए और जो ये जाली थी इसको भी हम उल्टा बना लेंगे।
देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हम इसकी कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से इसकी हमने इसकी उल्टी सिलाई बनाई है और ये देखिए इसकी जाली भी कंप्लीट हो गई है। जाली देखिए, अब हम इसके ऊपर का बॉर्डर बना लेंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इस तरह से इसकी पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये पूरी सिलाई हम इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसकी दूसरी सिलाई बनाएंगे बॉर्डर की। जो फंदा सीधा है उसे हम सीधा बना लेंगे और जो फंदा उल्टा है उसे हम उल्टा बना लेंगे, जैसे हम स्वेटर का बॉर्डर बनाते हैं। इस तरह से एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा करते हुए इसका हम बॉर्डर बना लेंगे। देखिए इस तरह पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे और इसे कम एक इंच हम बना लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसे और बनाना है या नहीं। ये देखिए काज बनाने के बाद हमने इसको एक इंच बना लिया है। अब इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए उल्टी साइड है, किसी भी साइड से आप इसको बंद कर सकते हैं। दो फंदों का एक कर लिया, फिर ये फंदा वापस, फिर दो का एक, फिर फंदा वापस, फिर दो का एक। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए इसको हम बंद कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, इसको हमने यहाँ से घटा लिया है। अब इसको सीधे की साइड को हम करेंगे अंदर और ये देखिए यहाँ से इसको सील देंगे। यहाँ से यहाँ तक इसको सीलते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको सीलेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको सीलेंगे। ये देखिए इसको यहाँ तक इसको सीलते हैं। देखिए इस तरह से सीलेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इसको हमने सील लिया है और सीधा कर लिया है। इसका नीचे का पार्ट है, देखिए इसमें अभी हम डोरी लगाएंगे और प्रॉपर इसको बनाने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। देखिए डोरी बनाने के लिए हमने धागा ले लिया है। इसको हम इस तरह से घुमाते जाएंगे और अच्छे से इसको टाइट लपेट देंगे। एक तरफ से आप किसी को पकड़ा सकते हैं या इसको बांध भी सकते हैं। देखिए इसको खूब टाइट हम लपेट देंगे। इसको हमने टाइट लपेट दिया है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से, ये देखिए ये इसकी डोरी बन गई है। अब ये डोरी हम इसके अंदर डाल देंगे फिर आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सॉक्स बनकर रेडी है और ये देखिए डिजाइन इसका बहुत ही सुंदर लगा है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए और कमेंट करके बताइए कि हमारे को कैसी लगी। थैंक यू।